Hey, what's up guys? This is Lovjeet Arora. So welcome in the Tech Queen channel. तो बच्चा आज की इस क्लास में बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे. तो अगर मैं इस टॉपिक को आपको बताऊँ तो बच्चा बिल्कुल हम लोग यहाँ पर डिलीट करना सीखेंगे एक कॉलम, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर रो को भी डिलीट करना सीखेंगे. ठीक है, रो और कॉलम को आप कैसे डिलीट कर सकते हो डेटा फ्रेम के अंदर से, राइट? तो चलिए एक एक करके सारे के सारे जो तरीके हैं, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं, वो सारे तरीके चलिए देखते हैं. तो आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर सीरीज़ है बच्चा अच्छी लग रही होगी. एंड अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर दोस्तों के साथ है जो इसको शेयर करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है लेक्चर अगर 5 मिनट का है या 10 मिनट का है या 20 मिनट का है, तो लेक्चर में सिर्फ मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, पढ़ाई करा रही हूँ. कहीं पर भी मैंने यहाँ पर कोई किसी अदर तरीके का डिस्कशन भी नहीं किया है ना. तो यस बच्चा, अगर आपको लग रहा है पीपीटी देख करके भी और वीडियो देख करके भी, है ना, कि यार वाकई में मेहनत है जो इस पर हो रही है, तो आपको एक चीज़ चाहिए, वो ये चीज़ कि आपको शेयर करना चाहिए इस वीडियो को. एंड ऑफकोर्स चैनल को भी ग्रो करने में जो मेरी हेल्प है वो आपको करनी चाहिए. एंड आपको चैनल को, दोस्तों को, ऑफकोर्स सबको शेयर करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो हम लोगों के साथ में जुड़ पाएंगे, राइट? तो यस, अगर आपको अच्छी लग रही है सीरीज़ तो आप अभी जा कर के लाइक बटन को क्लिक करके आएंगे और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करके आएंगे. तो चलिए, आई होप आप लोगों ने ये दोनों काम कर दिए होंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसमें कहता है कि यार आप डिलीट करके बताइए कि कैसे हम लोग किसी कॉलम को या किसी रो को डिलीट यहाँ पर कर सकते हैं. तो बच्चा आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं. तो पहला तरीका जिसके साथ में हम बात करेंगे, दैट इज़ डेल और डीएफ. इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक कॉलम दे देती हूँ नेम नाम का. ठीक है, तो अब लाइक हाउ यू हैव डिलीटेड दिस नेम कॉलम, मेरे पास डिलीट हो गया. अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं इसके अंदर रो देना चाहूँ, द रो दैट इज़ वॉट सेक्शन ए नाम की मेरे पास में रो है, तो बच्चा इसमें क्या होगा कि अगर तुम रो डिलीट करने की कोशिश करोगे ना, तो ये रो को डिलीट नहीं करेगा. ठीक है, तो इसके केस में आपको एरर दे देगी. तो कॉलम डिलीट करने का एक तरीका जो मैंने आपको बताया. अब एक कॉमन तरीका जो दोनों के लिए, दैट इज़ वॉट कि आप यहाँ पर df डॉट ड्रॉप नाम के फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप नाम के फंक्शन. अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि बेसिकली ये आपका जो है रो को डिलीट करने के लिए यूज़ में आता है, बट इसमें कॉलम भी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं कि हमें इसमें से एक्सेस देना पड़ेगा. जैसे मैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो मैं सेक्शन ए को डिलीट करना चाहती हूँ यहाँ पर, है ना, रो को डिलीट करना चाहती हूँ. सो हाउ कैन आई डू दैट. हाँ, तो मेरे पास में ये डिलीट हुई नहीं है अभी तक. उसके पीछे का कारण ये है कि आपको यहाँ पर ना इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा. ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको ओरिजिनल जो आपका डेटा फ्रेम है उसके अंदर आपको चेंज करने के लिए यू हैव टू पुट देयर द प्रॉपर्टी दैट इज़ इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि बाई डिफॉल्ट फॉल्स होती है. तो इसको ट्रू करोगे तभी वो चेंज है जो आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे, इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर देखिए, सो द चेंज इज़ कमिंग हेयर विदाउट इन प्लेस. तो चेंज यहाँ पर आ रहा है, बट अभी क्या होगा बच्चा, अगर आप दोबारा से इसको प्रिंट करोगे df, सो दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल डेटा फ्रेम. सो फॉर द ओरिजिनल डेटा फ्रेम, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंज डिलीशन के बाद में, सो हमें यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा. अब ये तो हुई बाय डिफॉल्ट, बट अगर लेट्स से कि मुझे यहाँ पर कॉलम को डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है रो के लिए और एक्सेस वन होता है कॉलम के लिए, तो आपको यहाँ पर कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा. ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्लास दे रही हूँ और एक्सेस वन दे रही हूँ. सो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हो, किसको, कॉलम. तो अगर आपने एक्सेस ज़ीरो दिया, तो अभी देखो मैं डिलीट करूँगी तो क्लास नाम का तो आपके पास में कोई इंडेक्स ही नहीं है ना. ठीक है, तो उसके लिए आपको इंडेक्स पहले देना पड़ेगा. ठीक है, कंट्रोल वी, सो लाइक हाउ यू विल बी एबल टू डिलीट द रो ऑल्सो विद दिस फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन. ठीक है, तो ड्रॉप फंक्शन के थ्रू आप दोनों चीज़ें पॉसिबल कर पा रहे हो.
कि कॉलम भी डिलीट कर पा रहे हो और रो भी डिलीट कर पा रहे हो, बट जो डेल मैंने आपको बताया था उसके थ्रू सिर्फ आप कॉलम डिलीट कर रहे थे। अब यहाँ पर ना आपके पास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ या एक और चेंज जो मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं पिछले वाले में, कि मैं ऐसा कर रही थी ना डेल DF, और इसके अंदर मैं क्या कर रही थी बच्चा, नेम दे रही थी, तो ऐसे करके आपका जो कॉलम था वो डिलीट हो पा रहा था, है ना। बट इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आप मान लो यहाँ पर ज़ीरो नंबर ऐसे डिलीट करते हो तो इसके लिए ये हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेम ही डालना पड़ेगा, नेम के बिना करोगे तो आपको ये एरर देगा, ये चीज़ पॉइंट बना के रख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास ड्रॉप है, इन प्लेस मैंने आपको बता दिया ड्रॉप के अंदर कैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, रो को डिलीट करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक साथ दो दो कॉलम्स को डिलीट करना चाहती हूँ, सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, एक साथ भाई मुझे दो दो कॉलम्स को डिलीट करना है, सो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। जैसे अगर एक साथ दो दो रो को भी डिलीट करना है तो व्हाट यू कैन डू गाइस, आपको सेक्शन बी या सी जिसको भी आपको डिलीट करना है आप उसको एक लिस्ट के अंदर रखेंगे, और जब इसको आप रन करेंगे तो यस आपके पास में दो दो रोज़ हैं जो डिलीट हो गए। अब एक्सेस इज इक्वल्स टू वन करके और मैं एक साथ दो कॉलम को डिलीट करवाना चाह रही हूँ जिसमें से एक रो नंबर होगा एंड अनदर वन दैट वुड बी नेम, ठीक है। सो लाइक हाउ एक साथ आप मल्टीपल कॉलम्स को भी कैसे डिलीट कर सकते हो, मल्टीपल रो हो गया, मल्टीपल कॉलम हो गया, सिंगल कॉलम सिंगल रो, दोनों तीनों तरीके आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो बस ये तरीके थे आपके पास में जिन जिन के थ्रू आप लोग डिलीट कर सकते थे, ड्रॉप वाला हो गया, ठीक है, राइट। तो ये सारे तरीके जिसके थ्रू आप डिलीशन पॉसिबल कर पा रहे थे। अब एक आपने लिस्ट के अंदर यूज़ किया था फंक्शन, है ना, तो उसके थ्रू भी बता देते, ये आपकी बुक में नहीं है वैसे, ठीक है। आप इसके अंदर लेट सपोज नेम लेकर के आ रहे हो, तो ये भी एक तरीका है कि भाई आपने नेम नाम का कॉलम डिलीट कर दिया। बट इसमें भी एक चीज़ है कि अगर मैं इसमें सेक्शन ए करूँ तो ये रो को यहाँ पर डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो रो को डिलीट नहीं कर पाएगा। अब इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो करके देख सकते हैं, एक्सेस वन करके या एक्सेस ज़ीरो करके, नहीं पहली बात ये ले ही नहीं रहा, दो पैरामीटर आपके पास में एरर आ, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही था पॉप फंक्शन, ठीक है। तो आई होप बच्चा आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, अगर वाकई में अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, मैं एक बार जाते जाते रिकैप करवा देती हूँ अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो, ठीक है। तो डेटा फ्रेम में से ये वाला तरीका मैंने आपको बता दिया डेल कीवर्ड के थ्रू, एंड देन ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 0, 1, 2, 3 कुछ इंसर्ट करते तो वो नहीं लेगा, आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा नाम यहाँ पर। और एक्सेस ज़ीरो होता है रो के लिए और बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका रो ही चलता है। अब अगर आपको कॉलम डिलीट कराना है तो यू हैव टू पुट देयर एक्सेस वन, ठीक है, तो ऐसे आप डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। और मल्टीपल कॉलम्स भी मैंने आपको बता दिए हाउ टू डिलीट इट, और ऐसे पॉप फंक्शन के थ्रू भी आप कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब हमारे कुछ ही गिने चुने टॉपिक हैं जो इस यूनिट के अंदर रह चुके हैं, यानी कि पांडा पार्ट वन के अंदर, पार्ट टू जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, और चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय।